असलम डीयर लर्नर्स एंड वेलकम इन द वीडियो एजेंडा इस वीडियो का बहुत अहम है बिकॉज हम बात करने वाले हैं डिजाइनिंग योर मार्केटिंग ऑफरिंग्स की इन अदर वर्ड्स आपकी अपनी प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइन किस तरह से होती है मार्केट ऑफरिंग उसकी क्या हो सकती है आपसे प्रोडक्ट सर्विस की डेफिनेशन हमने शेयर नहीं की प्रोडक्ट और सर्विस की डेफिनेशन वैसे भी बींग एन ऑनटिन्योर आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए अच्छा मल्टीपल डेफिनेशन आप देख सकते हैं मुख्तु किताबों में ऑनलाइन जाके फिलिप कॉटलर अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट क्या है एनी थिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू मार्केट फॉर अटेंशन एक्विजिशन यूज और कंजप्शन दैट माइट अ नीड और अ वॉन्ट ऑफ अ कस्टमर यानी कोई भी ऐसी फिजिकल आइटम जो आप ऑफर कर सकते हैं किसी भी कस्टमर को जो उसकी नीड या उसकी वॉन्ट को सेटिस्फाई कर ले और इसमें एक्विजिशन uh, यानी आपके पास अगर पैसे आ रहे हैं कस्टमर्स के तो आपको अपनी प्रोडक्ट की ऑनरशिप कस्टमर को देनी पड़ेगी सो दैट इज वॉट प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट और सर्विस क्या है एनी थिंग और एनी बेनिफिट दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू एन अदर दैट इज एसेंशली इनटेंडेबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी ऑनरशिप ऑफ एनी थिंग सर्विस का मतलब ये है अगेन आप कस्टमर की कोई नीड एंड वॉन्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं आप उसको कोई बेनिफिट ऑफर कर रहे हैं सर्विसेज यूजुअली इंटेंजिबल होती हैं सर्विसज uh, में कोई ऑनरशिप बेसिकली डिलीवर नहीं होती मिसाल के तौर पर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और आपका जो साइकेट्रिस्ट है वो आपसे बातें करता है और आपको ऑफर करता है मुख्तु स्ट्रैटजीज की किस तरह से आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं तो वो आपको स्ट्रैटेजीज ऑफर कर रहा है जिसके ऊपर आपने खुद अमल करना है तो बेसिकली वो आपको एक सर्विस दे रहा है एक बेनिफिट ऑफर कर रहा है आपकी काउंसलिंग कर रहा है काउंसलिंग में कोई ऑनरशिप जो है वो इन्वॉल्व in नहीं होती है लाइक वाइज एक्सपीरियंस आपको एक्सपीरियंस बेच रहे हैं तो भी उसमें कोई ऑनरशिप नहीं आती मिसाल के तौर पर आजकल की बहुत कंपनीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में चूंकि टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश कर रही है तो वो कहते हैं कि जी हमने हनजा या हमने सवात या हमने फेरी मैडोज तक का एक ट्रिप रखा है या हम आपको के टू बेस कैंप तक ले जाएंगे और उसके लिए हम आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे गाइड प्रोवाइड करेंगे आपको जितनी भी जिसे कहते हैं एक्सेसरीज की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करेंगे तो इट इज़ एन एक्सपीरियंस एट दी एंड के ऊपर अगर आप के टू बेस कैंप से होकर वापस आ भी जाते हैं तो आपके पास वो एक्सपीरियंस और वो मेमोरीज जो हैं वो रह जाती हैं इसमें कोई ऑनरशिप इन्वॉल्व नहीं है सो प्रोडक्ट हो सर्विस हो या एक्सपीरियंस हो पहली बात तो ये आपको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि ये होती क्या है अच्छा प्रोडक्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट या सर्विसेज के कुछ लेवल्स होते हैं एक होता है कोर बेनिफिट एक होता है एक्चुअल प्रोडक्ट और एक होती है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट ये बहुत जरूरी है बीइंग एन एना और खास तौर पर जब आप अपनी प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं डेवलपमेंट स्टेज पर हैं कि आपने बेसिकली किस लेवल पर ऑपरेट करना है कि आपने सिर्फ कोर बेनिफिट या एक्चुअल या ऑगमेंटेड प्रोडक्ट तक रहना है अगेन रेफरिंग टू द फिलिप कॉटलर्स बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग क्योंकि ये जो एक पिक्चर है ये पिक्चर आपको बहुत आसानी से समझा देगी कि जब आपने अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है तो आपने कहाँ डिज़ाइन करना है मेन चीज तो ये है कि यहाँ तो आप इस हद तक रहें और यूजुअली आपने देखा होगा बहुत ही छोटे पैमाने के ऊपर मैं इसको कॉटेज इंडस्ट्री का नाम दूँ या होम बेस इंडस्ट्री का नाम दूँ तो बेसिकली वो अपनी प्रोडक्ट को सिर्फ इस हद तक रखते हैं कि वो कोर बेनिफिट ऑफर करते हैं आपको कोई ना कोई एक चीज़ कोई ना कोई एक बेनिफिट वो प्रोडक्ट या सर्विस आपको ऑफर कर रही है एंड दैट इज ऑल इससे आगे और कुछ भी नहीं है मेरी ये प्रोडक्ट है आपका एक सर्टेन सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व कर सकती है एंड दैट इज ऑल लेकिन जब आप प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं ना एक्चुअल प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें फिलिप कार्टलर गाइड ये करता है ऑनटरप्रनोर्स को कि उसमें हम कुछ फ्लेवर्स एड करते हैं मिसाल के तौर पर हम प्रोडक्ट का ब्रांड नेम बनाते हैं हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी लेवल ऑफ क्वालिटी क्या होगा हम उसके अंदर पैकेजिंग इन्वॉल्व करते हैं ठीक है ना पैकेजिंग की क्वालिटी क्या होगी क्या और उस पर लेबलिंग भी आ जाती है क्या हम उस पर लेबल करेंगे कि नहीं करेंगे प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा उसके फीचर्स क्या होंगे जब आप अपनी प्रोडक्ट डिटेल्स में जाना शुरू हो जाते हैं ब्रांड डेवलपमेंट में जाना शुरू हो जाते हैं तो आप एक्चुअली प्रोडक्ट का एक लेवल आगे सर्विस का एक लेवल आगे जा रहे हैं ठीक है मिसाल के तौर पर अब रिसेंटली देखने में आया है कि बहुत से स्मॉल फार्म्स मिसाल के तौर पर अगर कोई वो आ, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं जिस तरह से हमारे पास कुछ हम ऑन्टपन्योर्स को हम बुलाएंगे और आप देखेंगे कि वो होम बेस्ड ऑन्टपन हैं और घर में कोई चीज़ पका रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उनकी पैकेजिंग और उस पैकेजिंग के उसके ऊपर लेबल उसके ऊपर सारे इंग्रेडिएंट्स उसकी डिटेल्स पर सर्विंग आ, कितनी कैलोरीज हैं और प्लस इसको किस तरह से जो है वो सेव करना है और इसकी पैकेजिंग के अलावा इसका परफेक्ट डिजाइन इसके मल्टीपल फीचर्स सारा कुछ प्रोडक्ट डिफाइन कर रही होती है तो so, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो आपको कोर बेनिफिट ऑफर कर रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर वो प्रोडक्ट को आगे फर्दर डिवेलप भी कर रहे हैं और अगर इन केस आप ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं तो क्वार्टर कहता है कि आपके पास और मल्टीपल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं आप कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं डिलीवरिंग या डिलीवरी ऑन क्रेडिट जिस तरह हमारे पास आजकल ऑप्शन आ रही हैं कि आपको प्रोडक्ट डिलीवर होगी तो ये कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है आपको डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर हम कर देंगे अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस इंस्टॉलेशन ऑफर कर सकते हैं वारंटीज ऑफ ऑफर कर सकते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं कमिंग बैक टू द पॉइंट वो तमाम स्टूडेंट्स जो खास तौर पर इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ आना चाह रहे होते हैं उनके पास कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस होती है तो ये सवाल उनसे हमेशा किए जाते हैं अच्छा आप ये प्रोडक्ट या सर्विस लेकर आए हैं आप क्या कुछ ऑफर करेंगे अच्छा मालूम चल गया कि आप प्रोडक्ट ये काम करेगी क्या आपने इसका कोई ब्रांड नेम भी रखा है इसके डिजाइन और फीचर कैसे हैं आप इसको किस चीज में रख के बेचेंगे ठीक है क्या इसमें कोई ख़राबी निकल आए तो क्या कंप्लेंट का कोई सिस्टम है क्या आप कस्टमर को रिफंड पॉलिसी जो है वो ऑफर करेंगे क्या आपके प्रोडक्ट की कोई वारंटी होगी ये प्रोडक्ट आप कहाँ बेचेंगे और अगर आपने दरवाजे पे जाके बेचना है तो आप कौन सी टी की या किसी और की कोरियर सर्विस इस्तेमाल करेंगे ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे सो so, अगर आप अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं तो क्या आपने उसको कोर बेनिफिट तक रखना है क्या आपने उसको उसक, उसका ब्रांड नेम उसकी लेबलिंग उसकी पैकेजिंग भी डिजाइन करनी है इस हद तक लेके जानी है अपने प्रोडक्ट को या फिर उससे बियॉन्ड की अगर आप उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह भी ऑफर करें ये जानना क्यों जरूरी है कि आपने किस हद तक जाना है बिकॉज अगेन इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से होगा बिकॉज कोर बेनिफिट ऑफर करेंगे तो प्राइसिंग और होगी ब्रांड ऐड करेंगे पैकेजिंग इट्स एक कॉस्ट है जो इन्वॉल्व होती है प्रोडक्ट में उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी उसके बाद अगर आप दरवाजे पे जाके किसी को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं यानी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफर कर रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी ऑफर कर रहे हैं तो वो भी प्राइस उसमें ऐड हो जाएगी इंस्टॉलेशन uh, ऑफर कर रहे हैं तो क्या वो प्रोडक्ट की प्राइस में शामिल है कि इंस्टॉलेशन के अलग आप प्राइस जो है वो चार्ज करेंगे आफ्टर सेल सर्विसेज में किस हद तक आपने वादा करना है क्या आप कंप्लीट प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट में जा रहे हैं या प्रोडक्ट सिर्फ ठीक करके दे देंगे या आपने आइडेंटिफाई किया है कि ये वाले मसाइल होंगे प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट की हम आफ्टर सेल सर्विसेज करेंगे अगर ये वाले डैमेजेस आपने क्लेम किए तो हम ऑफर नहीं करेंगे ये लेवल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस आपका लेवल आपका जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है उसको डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा होता है सो अगेन यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपने प्रोडक्ट को किस लेवल तक लेके जाना है प्रोडक्ट और सर्विस की जो क्लासिफिकेशन है अगर हम उसको देखें इन अदर वर्ड्स जो भी बिजनेस आइडिया आ रहा होता है या जो भी बिजनेस डील हो रहा होता है ब्रॉडली वो दो कैटेगरीज में डील हो रहा होता है दो क्लासीफिकेशन हमारे पास हो सकती हैं या तो वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होंगे या वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होंगे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सर्विसेज में वो वाली प्रोडक्ट्स होती है जो डायरेक्टली हम कंज्यूमर्स को एंड यूजर को बेच रहे हैं ठीक है वो एंड यूजर आके हमसे वो प्रोडक्ट बाय कर रहा है अब इसकी भी मल्टीपल क्लासिफिकेशन है आपको ऑनलाइन भी इंफॉर्मेशन मिल मिल जाएगी मार्केटिंग की बहुत अच्छी किताबों में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फिलिप कॉटलन ने भी बहुत आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए क्लैरिटी लाने के लिए उसने बताया कि आपके पास जो भी आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे होंगे सर्विस डिजाइन कर रहे होंगे या तो वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट होगी बाय कॉन्वीनियंस मीन जो आम इस्तेमाल में हम डेली बेसिस के ऊपर हम यूज कर रहे होते हैं या वो शॉपिंग होगी कि जिसमें हमारी थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट होती है हम जाते हैं इन्फॉर्मेशन लेते हैं और बड़ी सोच समझ के हम चीज़ को खरीद रहे होते हैं जिसमें मिसाल के तौर पर जिसमें हम कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो भी आप, भी आप वी आर बिंग वेरी पर्टिकुलर कपड़े की क्वालिटी क्या है कलर क्या है कलर ठहरेगा भी कि नहीं ठहरेगा कट्स क्या हैं स्टिचिंग क्या है तो हम पर्टिकुलर हो रहे होते हैं इन चीज़ों के बारे में स्पेशलिटी प्रोडक्ट हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट होती हैं जिनकी प्राइसिस भी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं आपने कोई पॉइंटर जो है वो डिज़ाइन कर लिया है और आप कहते हैं कि ये पॉइंटर जो है आपके लिए आ, जिसे कहते हैं मिसाल के तौर पे कोई डिजिटल पेन का, का काम भी कर देगा आपके लिए आ, यही वाला जो पॉइंटर है वो प्रेजेंटेशन के लिए आ, जो है वो आपको लाइट भी दे देगा इस पॉइंटर के अंदर एक हमने पोर्ट भी डाल दी है आपका थोड़ा सा डेटा भी जो है सिक्स जी बी या एट जी बी तक कैरी कर लेगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट अब ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट है जब कोई कस्टमर आपके पास आएगा तो फिर वो इसको अच्छे तरीके से सोचेगा देखेगा पूछेगा आपसे ट्राई लेना चाहेगा और फिर अगेन आपसे प्राइस के बारे में भी कंसर्न जरूर होगा बाय ऑल मीन्स आप प्रोडक्ट शायद किसी एंड यूजर को बेच रहे हैं सो इट्स अ कंज्यूमर प्रोडक्ट अगर आप दूसरी तरफ आते हैं तो आपके बहुत से ऐसे ऑन्टरप्रन्योर्स इस वक्त इवन के जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी न किसी प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं हो सकता है वो ऑन्टरप्रनीस हों और वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जो है वो डील कर रहे हों इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है क्या आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस जो किसी भी फर्म को दी जाती है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और यूज इन कंडक्टिंग द बिजनेस आप कोई रॉ मटेरियल बेच रहे हैं किसी भी एक फर्म को तो वो भी आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विस है आप बेच सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं उसमें ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं सो अगेन इफ यू आर डेवलपिंग योर आइडिया नंबर वन देखें कि आपका लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्या है कीपिंग इन माइंड कि क्या आप कंज्यूमर प्रोडक्ट या कंज्यूमर मार्केट में जा रहे हैं या आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या इंडस्ट्रियल मार्केट में जा रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के एट्रीब्यूट्स होते क्या है लाइक एक प्रोडक्ट और एक सर्विस कंप्राइज uh, करती है प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट फीचर प्रोडक्ट स्टाइल और डिजाइन इसके ऊपर हम अलग से भी बात करेंगे इसीलिए इस टॉपिक को फिलहाल हम यहीं तक छोड़ते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को जब आप देखते हैं एज अ कंज्यूमर कंज्यूमर्स लेंस तो आप देखते हैं उसकी क्वालिटी आप देखते हैं उसके फीचर्स आप देखते हैं उसका स्टाइल और उसका डिजाइन प्राइस भी शामिल होती है कमिंग बैक टू द पॉइंट मार्केटिंग ऑफरिंग क्या ऑफर कर रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विस प्रोडक्ट और सर्विस में क्या ऑफर कर रहे हैं कोर बेनिफिट या थोड़ी सी एक्चुअल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ब्रांड नेम एंड पैकेजिंग या ऑगमेंटेड सर्विसेज और अगेन टू द कंज्यूमर मार्केट और टू द इंडस्ट्रियल मार्केट इसके बीच में एक अहम मार्केटिंग ऑफर है आपका यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन या आप ऑनलाइन देखेंगे तो इस टर्म को इस्तेमाल कहा जाता है यूनिक सेलिंग पॉइंट यूनिक सेलिंग प्रापोजिशन है क्या बाय द डेफिनेशन अगर आप ऑनटरप्र्यूर पे जाके देखें तो वहां पे एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिक सेलिंग प्रापोजिशन ऑनटरप्र्यूर डॉट इस तरह से डिफाइन करता है द फैक्टर्स और कॉन्सिडरेशन प्रेजेंटेड बाय अ सेलर एज अ रीजन दैट वन प्रोडक्ट और सर्विस इज डिफरेंट और बेटर देन दैट ऑफ द कंपेटिटर्स आपकी प्रोडक्ट आपकी सर्विस चाहे वो कोर है एक्चुअल है या ऑगमेंटेड है चाहे वो कंज्यूमर मार्केट में डील कर रही हैं या इंडस्ट्रियल मार्केट में डील कर रहे हैं वाई आई शुड बाय दैट प्रोडक्ट फ्रॉम यू एंड नॉट फ्रॉम योर कंपेरिटिव ये रीजन जो है आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट अगेन कमिंग बैक टू दी ऑन्टरप्रनोर्स जो आ रहे होते हैं इनक्यूबेशन सेंटर के अंदर जब भी वो कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस लेकर आते हैं सबसे पहले इन्वेस्टर का सवाल यही होता है कि इस तरह की प्रोडक्ट और सर्विस तो मार्केट में सारे बेच रहे हैं आपको क्यों लगता है कि कंज्यूमर आपकी प्रोडक्ट बाय करेगा फिर आपको कहानी सुनानी पड़ती है आपकी मार्केटिंग ऑफरिंग्स की आप क्या ऑफर कर रहे हैं मार्केटिंग ऑफरिंग में आपकी वही अगेन लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे आप किस तरह यूनिक हैं अपने कंपेरिटि से और जब तक आपके हाथ में एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं आ जाता यू शुड नॉट डायरेक्टली गो टू द मार्केट उसकी वजह यह होती है कि आप जब जाएंगे और आपके जो कंपेटिटर्स हैं उसको आप कंपीट नहीं कर पाएंगे तो अर्ली सेटबैक से बाजुकात आप डिस्करेज हो जाते हैं सो कमिंग बैक टू द पॉइंट और राधर कंक्लूडिंग द टॉपिक आपने जब भी मार्केटिंग ऑफरिंग डिजाइन करनी है प्रोडक्ट को डिजाइन करना है इंक्लूडिंग ऑल द पैकेज जो मार्केटिंग ऑफरिंग में होता है आप प्रोडक्ट एट्रीब्यूट डिसाइड करते हैं उसकी ब्रांडिंग करते हैं उसकी पैकेजिंग करते हैं लेबलिंग करते हैं और इसकी सपोर्ट सर्विसेज ऑफर करते हैं और आप कहते हैं कि ये मेरी ऑफर है इस प्राइस पर है इस सेगमेंट के लिए है और ये मेरी एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज हैं और अब आप फिर कोशिश करते हैं कि आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकें सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो